नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर में शांति सौहार्द सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने गुलहरिया थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज चौकी अंतर्गत मेडिकल कॉलेज रोड पर पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का कराया एहसास। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने उत्तरी सर्कल के गुलहरिया थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज चौकी अंतर्गत शांति व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए पैदल गश्त कर बालिकाओं, महिलाओं, व्यापारियों व आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति व वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग किया। साथ ही पैदल गश्त के दौरान शराब की दुकानों को चेक कर आम जन को आश्वस्त कराया कि पुलिस शांति सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। आपके साथ आपकी पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है कि किसी भी घटना दुर्घटना की सूचना अपने नजदीकी पुलिस से हमें या हमारे उच्च अधिकारियों को तत्काल दें, जिससे बड़ी से बड़ी घटना घटित होने से रोका जा सके। इस अवसर पर गुलहरिया थाना प्रभारी गोरखपुर महानगर में नौसिखिए वाहन चालकों पर यातायात पुलिस ने शिकंजा कसा है। बृहस्पतिवार को शहर के यातायात चौराहे पर एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद की अगुवाई में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बगैर लाइसेंस वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दर्जनों वाहन का चालान किया गया। साथ ही जिन वाहन चालकों के पास कोई भी पेपर नहीं पाया गया उनके ई रिक्शा को सीज किया गया। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने बताया कि शहर के प्रमुख चौराहों पर ई रिक्शा चालकों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिनके पास लाइसेंस नहीं पाया जा रहा है उन्हें भविष्य में बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उनके वाहनों का चालान किया जा रहा है। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक अजीत कुमार पांडे, यातायात उप निरीक्षक राम विरिच यादव सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, ये देखिए गोरखपुर महानगर में आज ये अभियान चलाया गया। जो ई रिक्शा चालक हैं जिनके पास डीएल नहीं है, नाबालिग द्वारा ई रिक्शा चलाया जा रहा है, ये उन्हीं के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया है। अभी तक कितने ऐसे वाहन मिले जिनको पकड़ा गया? अभी तक लगभग 25 से 30 ई रिक्शा जो है कि जो पाए गए बिना डीएल के चलाते हुए मिले हैं। लगभग 200-300 ई रिक्शा चेक किए गए हैं जिसमें 20-25 बिना डीएल के पाए गए हैं। और ये अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि बिना डीएल के वाहन ना चलाएँ, डीएल बनवा लें उसके बाद ही वाहन चलाएँ। अगर कोई नाबालिग बच्चा ई रिक्शा चलाते हुए पाया जाता है तो उस पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और कितने का जुर्माना लगाएगा? देखिए, जो अगर कोई नाबालिग चलाते हुए पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी जो यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर जिले के गुलहरिया थाना क्षेत्र के जैनपुर गांव में स्थित दूसरे की जमीन फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने के आरोपी को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि क्षेत्र के जैनुल आबदीन उर्फ जैनपुर निवासी विवेक प्रजापति का आरोप है कि क्षेत्र के नाहरपुर निवासी प्रहलाद ने अपना पता बदलकर फर्जी दस्तावेज के जरिए गाँव की 0.156 हेक्टेयर जमीन राम आशीष निषाद निवासी सेमरा देवी प्रसाद को बैनामा कर दिया। दोनों ने मिलकर जमीन हड़प ली। एसएसपी ने के निर्देश पर पुलिस ने विवेक की तहरीर पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच में पता चला कि आरोपी ने अपने नाम के आगे पिता का नाम सिखों की जगह प्रसाद लिखकर जालसाजी की थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, सर, गोरखपुर द्वारा जो संगठित अपराधियों और भूमाफियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत थाना गुलहरिया पे आज प्रहलाद सन ऑफ सुक्खू नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसने धोखाधड़ी से कूट रचित दस्तावेज तैयार किए और बैनामा कराया। इस प्रकार ये एक माफिया व्यक्ति है जो भूमि संबंधी इस तरह का इसने अपराध किया है, उसको जेल भेजा। बीएसएस कार्यालय में संविदा पर स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए 40 प्रतिभागियों ने कंप्यूटर टेस्ट दिया, जिसके संबंध में बीएसए रामेंद्र सिंह ने बताया कि यहां पर स्टेनोग्राफर का टेस्ट चल रहा है, जिसकी परीक्षा DIOS पॉलिटेक्निक व ITI के अध्यापकों द्वारा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमें 40 लोग परीक्षा दे रहे हैं, इसमें इनका टाइपिंग टेस्ट व स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा। तब जब ये पास हो जाएंगे तो इनकी मेरिट निर्धारित किया जाएगा। जो मेरिट में पास हो जाएगा उनका चयन किया जाएगा, जो कि बीएसए कार्यालय में संविदा पर ड्यूटी देंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए रामेंद्र सिंह ने कहा, आज स्टोनो जो आसुलिपिक का पद होता है, संविदा का पद होता है, तो स्टोनोग्राफर का टेस्ट हो रहा है। इसमें हमारे डीआर साहब हैं और पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल साहब हैं, ITI के एक मैडम एक सर हैं जो ये परीक्षा ले रहे हैं। तक कुल कितने बच्चे इसमें? इसमें लगभग 45 बच्चे हैं जो परीक्षा देने आए हुए हैं। तो किस तरह से इनको परीक्षा दिया जाएगा? इसमें जब ये इनकी टाइपिंग टेस्ट और स्टोनोग्राफी टेस्ट में
पास हो जाएंगे तो फिर इनका मेरिट निर्धारित होगा, जो भी मेरिट में टॉप होगा उसका चयन कर लिया जाएगा। कितने पद सर इसमें? इसमें एक पद है हमारे कार्यालय में जी। कितने छात्र? लगभग 40 से अधिक छात्र। जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा ने जनपद के अधिकारियों के साथ 4 फरवरी को लगने वाले रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर विकास भवन के सभागार में बैठक की। इस दौरान जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा ने कहा कि 4 फरवरी को रोजगार मेला लगेगा, इसलिए अधिकारीगण रोजगार मेले में आने वाले कंपनियों की सूचना प्रतिभागियों को उपलब्ध कराएंगे। हम लोगों के पास समय कम है, इसलिए आप लोग तैयारी कर लीजिए और इस रोजगार मेले में कितने प्रतिभागी आ रहे हैं उसकी सूची उपलब्ध करवाया जाए। आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग संबंधित कंपनियों से जो है टाई अप करते हुए उसकी सूचना जो है कितने प्रतिभागी आ रहे हैं वो अनिवार्यता 5 बजे के पहले तक जरूर दे दीजिए, क्योंकि समय कम है। आज 1 तारीख है और कल 2 तारीख है, 3 तारीख को तो होने होना है, यानी सारी तैयारी हमको कल शाम तक जो है फिनिश करा लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है इसमें शिथिलता ना बरती जाए और कुल मिलाकर के आप अभी से लग जाइए और जितने उनकी संख्यात्मक विवरण के साथ आ रहे हैं वो संख्या तो पहले निकाल दीजिए, फिर सूची प्राप्त कर लीजिए जो है और उसका नाम मोबाइल नंबर, क्योंकि जब पिछली बार भी फोन कराए गए थे प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 80 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसको लेकर सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में अभी से प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा के साथ, उनको पीएम मोदी व मुख्यमंत्री योगी के ऊपर विश्वास है। आज हम सभी को बड़ा गौरव जीतना है मोदी जी को पूरा, तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बने। अब मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सिराज चंद्र जी, आप हो गया ना, आओ छुटवा देख कर। अरे तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं जी का, स्वागत करते हैं राम दरबार आपने बहुत धन्यवाद का हृदय से आभारी हूँ आपके अभिनंदन के लिए, आपके स्वागत के लिए। 3, 4, 5 फरवरी लगातार 3 दिन मेरे विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण का एक व्रत आयोजन गोरखपुर में आयोजित होने के लिए जा रहा है। एक बड़ा सा क्या बोलते हैं प्रेक्षागृह, कौन सा है वो? गंभीर नाथ प्रेक्षागृह, उसका स्थान चयन हुआ है। प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का उसमें हम सबको आशीर्वाद और दिव्यांगजनों की को मिलने वाली सुविधाओं का की प्राप्ति होने वाली है। कल की तारीख में कार्यक्रम तय हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन गोरखपुर में मेरे विभागीय कार्यक्रम के अंतर्गत होता है तो मेरा नैतिक दायित्व बन जाता है कि मैं उसकी जाके व्यवस्था देखूं, प्रबंधन देखूं। गोरखपुर में 3, 4, 5 फरवरी के होने वाले आयोजन के निमित्त आज विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए, स्थलीय निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी और दूसरे अधिकारियों के साथ वार्ता करने के लिए तात्कालिक कार्यक्रम आज का बना था, जो इस समय चल रहा है, जिसमें मुझे आपका सहयोग, आपकी शुभकामनाएं, आपके मदद की आवश्यकता है मोर्चे को सशक्त करने के लिए। पहला,
प्रदेश के सभी 1918 मंडलों में सामाजिक सम्मेलन आहूत किए जाने हैं अलग अलग समाजों के। इस संदर्भ में वर्चुअल बैठक के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से, व्यक्तिगत तौर से बात करके क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी और संबंधित जनपद के हमारे सभी पदाधिकारियों को इसके बारे में सूचित पहले से कराया गया। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, का चुनाव उत्तर प्रदेश में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया है सभी 80 सीटों को जीतने का, उस लक्ष्य को हम पूरा कर सके तो इन महत्वपूर्न बातों को लेकर आज हमने समीक्षा बैठक की है। मुझे उम्मीद है कि 3-4-5 फरवरी को हमारे विभाग के माध्यम से होने वाला आयोजन सफल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमारे विभाग के अधिकारियों को मिलेगा, जिससे हमारे विभाग के अधिकारियों को और तेजी के साथ काम करने का अवसर। देश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन एवं सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जनपद के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर बैठक की, जिसके संबंध में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि 3 से लेकर 5 फरवरी तक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से एक भव्य आयोजन गोरखपुर में होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा, जिसके तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका आयोजन योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आज मैं गोरखपुर में उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहला जो आज आने का भाव है, 3, 4 और 5 फरवरी को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से एक भव्य आयोजन गोरखपुर में हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें जिसका शुभारंभ हमारे उत्तर प्रदेश के अत्यंत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। तो आज हमने 3, 4, 5 फरवरी को अपने विभाग के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम की तैयारी के बारे में समस्त अधिकारियों से विस्तृत वार्ता और चर्चा की है। कार्यक्रम स्थल जो प्रेक्षा गृह है बाबा बालकदास के नाम से आपके गोरखपुर में, उसका निरीक्षण किया है और किस प्रकार से इस 3 दिवसीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यक्रम को संपन्न कराना है उसकी पूरी रूपरेखा हमने बनाई है। तो पहला महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने आपके बीच में रखा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जिसका शुभारंभ 3 फरवरी को होने वाला है। दूसरा, मंडलीय समीक्षा बैठक के माध्यम से दोनों विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पे अच्छे से। मिथिला के प्राचीन धार्मिक स्थल अहिल्या स्थान अहिर यारी कंगतौल दरभंगा बिहार के मंदिर के मुख्य पुजारी अवनिका किशोरी व रामेश्वर मिश्रा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत उनके दर्शन हेतु दंडवत प्रणाम करते हुए अहिल्या स्थान दरभंगा से जानकी मंदिर सीता जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध पुनौरा धाम होते हुए गोरखपुर पहुंचे, जो कि अयोध्या जा रहे हैं, जिनका गोरखपुर पहुंचने पर मोहद्दीपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया, फिर उनके प्रत्येक दंडवत प्रणाम में नौसर तक पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया। यात्रा में सम्मिलित संत रामेश्वर मिश्रा ने बताया कि उन्होंने पिछला वर्ष 24 अक्टूबर माह 2023 में दशहरे के समय यह यात्रा
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अहिल्या स्थान से प्रारंभ की थी। यहां गोरखपुर पहुंचने तक दंडवत प्रणाम करते हुए लगभग 400 से ज्यादा किलोमीटर को तय कर लिया है, जिसमें बिहार एवं उत्तर प्रदेश के 10 से अधिक जिलों को संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा करने के पीछे उनका भगवान के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा को दिखाना एवं भारत जो हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है उसके लिए समाज में लोगों का जन जागरण करना है। उन्होंने आगे बताया कि अब भी लगभग यात्रा 400 से अधिक 130 किलोमीटर की यात्रा और बाकी रह गई है, क्योंकि एक दिन में कम से कम 3 किलोमीटर चल 400 किलोमीटर यात्रा चल पाती है। अब इस यात्रा के अयोध्या तक पहुंचने में होली आ जाएगी। यात्रा के अयोध्या पहुंचने में अभी 2 महीने का समय लगेगा। स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी, प्रांत प्रसार प्रमुख मनोज गौड़, प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख डॉक्टर DK सिंह, महानगर दक्षिणी भाग अध्यक्ष सूर्यनाथ सिंह, ग्रामीण जिले के उपाध्यक्ष विश्वजीत शाही, बाबूलाल सतीश सिंह, इंजीनियर सतीश सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए दरभंगा बिहार मंदिर के मुख्य पुजारी रामेंद्र मिश्रा ने कहा, जय जय श्री राम। हम बिहार के दरभंगा जिला से अहिल्या स्थान से चलकर अयोध्या के लिए दंड प्रणाम यात्रा कर रहे हैं, और ये यात्रा आज 3 महीना 6-7 दिन हुआ है। आज हम गोरखपुर में पहुँचे हैं और यहाँ के सभी लोग से बहुत अच्छा लगा। सभी लोग बहुत अच्छे से इस चौक पे खूब लगातार स्वागत का कार्यक्रम चला। गोरखपुर में बहुत अच्छा लग रहा है। एक किले में कितना दिन लग जा रहा है? ये कोई किलोमीटर पे पड़ता है, किलोमीटर एक दिन में जो है सो हम लोग 3 से 4 किलोमीटर चल पाते हैं। क्या लग रहा है, कब तक पहुँच जाएंगे? सबसे पहले निकले हैं, सबसे बाद में आएंगे। रामलला हम आएंगे, होली वहीं मनाएंगे। हम लोग ससुराल से हैं, मिथिला से हैं, तो होली इस बार पहुना के साथ वहीं खेलेंगे। आज खुशी की, आज हम एक और खुशी बता दे आपके माइक से कि आज मेरा ज्ञानवापी में भी पूरा पूजा स्टार्ट हो गया है, तो खुशी तो बहुत हो रहा है। इतना खुशी है कि कह नहीं पा रहे हैं, और ये तो बहुत खुशी का दिन है। इसीलिए तो हम दंड साष्टांग प्रणाम दंड प्रणाम करते हुए अयोध्या के लिए जा रहे हैं। मेरा नाम कामेश्वर कुमार मिश्रा है, और वैसे मंदिर पे जिस स्थान पे है वहाँ हमें लोग राम जी के नाम से। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल या आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत है तो उसे स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र अवश्य भेजें। इन दोनों स्थानों पर पंजीकृत बच्चों को पेट के कीड़े मारने वाली दवा 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच भी खिलाई जाएगी। ये दवा बच्चों को कुपोषण, खून की कमी समेत कई प्रकार की दिक्कतों से बचाती है। 16 से 19 वर्ष के आयु के किशोरों, ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले श्रमिकों और घुमंतू लोगों को भी यह दवा खानी है। यह दवाई 1 से 19 वर्ष आयु के सभी लोगों को खानी है। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी। उन्होंने पिपरौली स्थित प्राथमिक विद्यालय से बृहस्पतिवार को अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने आधा दर्जन बच्चों और एक किशोर को प्राथमिक विद्यालय में अपने हाथों से ये दवा खिलाई। आपको बताते हैं कि जिले भर के आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस NDD का आयोजन हुआ और दवा का सेवन बच्चों और किशोरी को कराया गया। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, नेशनल डिवर्मिंग डे NDD हमारा एक प्रोग्राम होता है, जिसके तहत 1 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमिरोधी यानी कीड़े की दवा खिलाई जाती है, और उसी का आज हमारे यहाँ शुभारंभ हुआ। और मैं प्रातःकाल जो है पिपरौली में एक विद्यालय से इसका जो है बच्चों को दवा खिला करके किया गया था, और दवा खिलाने के फ़ायदे ये होते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े नहीं रहते हैं तो बच्चे जो कुछ खाते पीते हैं सब उनकी शरीर को लगता है, बच्चे स्वस्थ होते हैं, पौष्टिक तत्वों की वृद्धि होती है, उनकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ने से बच्चे स्वस्थ घूमते रहते हैं। स्कूल में जो बच्चों को बीमारी के कारण या स्वस्थता के कारण नहीं जा पाते हैं, तो इसमें कमी आती है, बराबर रेगुलर स्कूल जाते हैं, और दूसरा बुद्धिमत्ता का विकास होता है। यह दवा पूरी रूप से सुरक्षित होती है। ये 1 वर्ष से 2 वर्ष तक के बच्चों को जो है आधी गोली दी जाती है, 2 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के बच्चों को पूरी एक गोली खिलाई जाती है, 1 और 2 वर्ष के बच्चों को जो है दवा चम्मच से पीस करके पिलाई जाती है, बाकी बच्चों को पूंछ कर खिलाया जाता है। अगर हम गोरखपुर जनपद की बात करते हैं तो गोरखपुर जनपद में 23,23,903 बच्चों को दवा खिलाई जाएगी। यह दवा आज जो है जितने भी हमारे
विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में दवा खिलाई जा रही है, समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में। अगर हम विद्यालयों की बात करते हैं तो 5001 स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र 4186 हैं। इन जगहों पर हमारी आशा, ANM, आंगनबाड़ी और हमारे प्राइमरी और हमारे अध्यापक लोग बच्चों को दवा खिलाएंगे। आशाएं जो क्षेत्र, जो बच्चे घर नहीं जाते, आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं जाते, आशाएं उन बच्चों को अपने क्षेत्रों में खिलाएंगे। यह दवा पूरी रूप से सुरक्षित होती है। इस दवा में खाने में सावधानी यह है कि खाली पेट दवा नहीं खानी है, कुछ खाने के बाद खानी है। और जो लोग बीमार हों या कोई अन्य ऐसी औषधियाँ चल रही हैं, उन लोगों को यह दवा नहीं खानी है। दवा खाने के बाद लाखों में एकाध लोगों को चक्कर आ सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है या मिचलाहट की संभावना हो सकती है। अगर ऐसा किसी को होता है तो तत्काल अपनी आशा, ANM या MOIC को सूचना दें या हमारा टोल फ्री नंबर जो है 104 पर सूचना दें। और अगर कोई असुविधा होती है तो तत्काल 108 की एम्बुलेंस बुला करके उपचार कराएं। गोरखपुर जिले के बांसगांव थाने की पुलिस टीम ने वांछित बदमाश प्रद्युम्न के खिलाफ 82 की कार्रवाई की है। पुलिस टीम द्वारा बदमाश के घर नोटिस चस्पा करते हुए मुनादी के जरिए पड़ोसियों को सतर्क किया गया। इस दौरान लाउड हेलर के माध्यम से पुलिस टीम ने पड़ोसियों को बदमाश के करतूत की जानकारी दी। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान CEO बांसगांव अनुराग सिंह ने 82 की कार्रवाई की जानकारी दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CEO बांसगांव अनुराग सिंह ने कहा, थाना गगाह में पंजीकृत 398/21 में वांछित अभियुक्त प्रद्युम्न पुत्र सुरेश निवासी गजपुर के विरुद्ध माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार 82 CRPC की कार्रवाई 29/1/2024 को संपन्न की गई। इस कार्रवाई के संबंध में पुलिस बल द्वारा उसके घर पर जाकर 82 का नोटिस चस्पा किया गया, साथ में मुनादी व लाउड स्पीकर का यूज़ करते हुए उसके अपराधों का और 82 की कार्रवाई का गांव वालों के संपन्न लाउड स्पीकर के थ्रू बताकर 82 की कार्रवाई संपन्न की गई।